नाजरीन, बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनमें मुहलक खेमे होते हैं और इंसानों के लिए नुकसानदेह या जानलेवा भी हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको चार ऐसी किली मछलियों के बारे में बताएंगे जो इंसान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। नंबर वन, वॉक्स जेलीफिश आती है। वॉक्स जेलीफिश बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया और जनूब मशरकी एशिया के आसपास के पानियों में पाई जाती है। इनके खेमों में हजारों छोटे जहरीले डंग वाले खलिये शामिल हो सकते हैं। जिन्हें नेमाटोस्ट कहते हैं, जो इंसानों में शदीद दर्द और दिल की खराबी और यहाँ तक कि मौत का भी सबब बन सकते हैं। इसमें दूसरे नंबर पर आती है पुर्तगाली मेन ऑफ वार। पुर्तगाली मेन ऑफ वार जानवरों की एक तैरती हुई कॉलोनी है जो गर्म समुद्र के पानियों में पाई जाती है। इसके खेमों की लंबाई 30 फुट तक हो सकती है। इसमें जहरीले नेमाटोस्ट होते हैं जो शदीद दर्द, फालज और बास सूरतों में मौत का सबब भी बन सकते हैं। इसमें तीसरे नंबर पर आती है नीले रंग का ऑक्टोपस। नीले रंग का ऑक्टोपस बहरे अलकाहिल और बहरे हिंद में पाया जाता है। और इसके जिस्म में खेमों पर चमकदार नीले रंग के हल्के होते हैं। इसका जहर फालज सांस की खराबी का सबब बन सकता है, जिसका फौरी इलाज ना किया जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें चौथे नंबर पर आती है समुद्री एनीमोन्स। समुद्री एनीमोन्स की कुछ प्रजातियों में जहरीले नेमाटोड्स से लैस खेमे होते हैं, जिन्हें वो शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगरचे आमतौर पर इंसानों के लिए मोहलक नहीं होता, लेकिन इनके डंग, दर्द, सूजन और गैर मामूली सूरतों में एनाफिलेटिक झटके का सबब बन सकते हैं। इन इलाकों में तैराकी या गोताखोरी करते वक्त एहतियात बरतना जरूरी है जहाँ ये जानवर रहते हैं। ये ज्यादातर साहिल समुद्रों में भी आते हैं और इनके सबब कई इंसानों की मौत भी वाकई हो चुकी है। इनके डंग मारने पर फौरी तिबी इमदाद हासिल करें। आज की वीडियो में इन चार और खतरनाक तरीन मछलियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। खुदा हाफिज़।